नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे टेक मुंबई में आपका कोटि कोटि आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर पहली बार आए हैं तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी इसलिए दबा दीजिए। 24 घंटे में कभी भी हम कहते हैं कि आप खरीदो, बेचो या रखो। दोस्तों, सरकार ने नियम चेंज कर दिया दोस्तों। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में शेयरधारकों को लगी लॉटरी। यस, स्टॉक होल्डर के लिए बहुत बड़ी खबर दोस्तों। शेयरधारकों की लग गई लॉटरी, अब होंगे मालामाल सरकार ने जैसे ही ये नियम चेंज किया दोस्तों। और कौन सा नियम चेंज किया ये भी जान लीजिए। और ये नियम चेंज गवर्नमेंट ने किया ताकि शेयर होल्डर को मुनाफा ही मुनाफा बाजार से मिल सके दोस्तों। स्टॉक मार्केट में शेयरधारकों के लिए नियम सरकार ने चेंज किया, अब होगा नहीं नुकसान। जी दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जिस नए शेयरधारकों का जो नुकसान होता था, अब वो नुकसान नहीं होगा दोस्तों। जी हाँ, और ये नुकसान इसलिए नहीं होगा कि सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया दोस्तों। और किस क्षेत्र में? तो स्टॉक मार्केट में नए शेयरधारकों की लग गई लॉटरी। सरकार ने शेयरधारकों के लिए नियम बदल दिया दोस्तों। कौन सा नियम, आइए हम बताते हैं। हेलो, जय सिया राम, जय हिंद। कौन? अच्छा जी, आवाज़ नहीं आ रही है। अरे यहाँ नेट नहीं रहता है। ये 2G की बात कर रहे हैं दोस्तों। जी, 2G जब था तो ऐसे ही कॉल होती थी, उसके बाद आया 3G। यस, हाँ बोलिए। ठीक है, बढ़िया है, भेज दिया आपका। कब आएंगे? अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, एक कॉल आ रहा है, मैं उसको रिसीव कर लूँ, होल्ड रखिए। हेलो, हाँ, अरे वो मनोज सिन्हा जी फ़ोन किए थे, आप लाइन पे हैं, बात कीजिए ना। अच्छा, हाँ वही बोल रहे हैं, आवाज़ आ रही है, हम सुन रहे हैं, दोनों आदमी की बातें सुन रहे हैं। अच्छा, एक कॉल आ रही है, प्रमोद जी, मनोज जी, दोनों आदमी होल्ड कीजिए, एक कॉल आ रही है और उनसे भी बात हो जाएगी डायरेक्ट, तो अच्छी बात है, होल्ड कीजिए। दो कॉल लग गया दोस्तों, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 1, 2, 3 और ये चौथा। हेलो, हाँ बात कीजिए ना, मनोज जी और ये प्रमोद जी हैं, आप ही की याद आ रही थी। हाँ ठीक है, सुन रहे हैं हम, सुन रहे हैं। और विकास जी, एक काम कीजिए आप ओ अरविंद को और कुशवाहा को, दोनों आदमी को आप कॉन्फ्रेंस में लीजिए, तो ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, 5-6। तो दोस्तों, ये था 3G 4G का ज़माना, मतलब एक आदमी 20 आदमी 20 लोग जुड़े हुए नेटवर्क से। आपको आश्चर्य लग रहा है? कोई आश्चर्य की बात नहीं दोस्तों, एक फ़ोन आपको मैंने कॉल किया, फिर दूसरे को कॉल किया, कॉन्फ्रेंस करवाया, आप फिर दो आदमी को ऐसे कॉल करेंगे, फिर वो करेंगे, पूरा नेटवर्क 20-20, 22-22 आदमी का नेटवर्क में। ऐसा 2 साल हमने इस तरह की बातें कभी ख़त्म नहीं होती थी दोस्तों। जी, स्टॉक मार्केट में तो मैं कम बात करता हूँ आपसे, 15 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम, 25-30 मिनट, 35 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, आप 1 घंटा, हाँ लाइव आएंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा का हो जाएगा। लेकिन आज का ज़माना क्या है, 4G आ गया,
और 4G के बाद 5G। और 5G ये मोबाइल जो है, जितने भी 4G मोबाइल है, जैसे कि आपको 3G मोबाइल था तो 4G आया, तो क्या 3G वाला मोबाइल और 3G वाला सिम आपका 4G में काम करता था? नहीं ना। हाँ भैया, ऐसे ही नहीं काम करेगा। अब 5G जो आया, सरकार ने आदेश दे दिया कंपनियों को, और आदेश नहीं भी देगा तो कंपनी ने मोबाइल बनाना 4G बंद कर दिया दोस्तों। जितना बना हुआ है वही बिकेगा, और इसीलिए धीरे 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 5G तो अभी पूरा देश में इकट्ठे चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, लेकिन वो 4G वाला मोबाइल जो है वो कैसे बिक्री होगा दोस्तों? ये खेल है, तो ये खेल जान लीजिए। जिस स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, सरकार के चलते, सरकार के कारण लग गई लॉटरी शेयरधारकों की, नियम चेंज होने से, और ये नियम चेंज हुआ 5G सेक्टर के स्टॉक, सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। और कौन कौन से शेयरधारकों को लग गई लॉटरी वो भी आप जान लीजिए दोस्तों। सबसे पहले लग गई डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और डिक्सन टेक्नोलॉजी MBA BK सिंह का 1525 रुपये का स्टॉक है दोस्तों। और ये कोरोना COVID-19 में दबोच कर लेकर रखे थे दोस्तों। 10,000 करोड़ बनाना है MBA BK सिंह को, तो ऐसी कई दिने कई रातें गुजारनी पड़ेगी, और आ रहा है एक बार और समय। MBA BK सिंह तो चाहते हैं दोस्तों कि हो जाए एक बार तो हो गया दोस्तों, दो बार भी हो गया दोस्तों, हो जाए तीसरी बार भी। हम ही कहेंगे सर क्या हो जाए तीसरी बार। यस, MBA BK सिंह चाहते हैं कि एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार भी हो जाए, और तीसरी बार होने के बाद हम रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है, कोई रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है, स्टॉक मार्केट तो रहेगा दोस्तों। कोरोना आया, कोरोना आ गया, लेकिन जो जिंदा रहा वो तो मालामाल कम से कम हो जाए। अरे कम से कम पूरी दुनिया का आबादी तो खत्म हो जाए दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि तीसरी बार हो जाए जी दोस्तों। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, घुट घुट के मरना, सपनों को दफन करते रहना। अरे हो जाए महायुद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाए, जो होना था, जो कल होना है आज ही हो जाए, जो आज होना है अभी हो जाए। मैं बात करता हूं दोस्तों, खरा किसी को गोली लगे या छर्रा जी दोस्तों, तो आप जान लीजिए हम बात करते हैं खरा किसी को गोली लगे या छर्रा, और हम किसी को नुकसान, MBA BK सिंह किसी का नुकसान नहीं करते दोस्तों, सिर्फ अपना आज तक नुकसान किए हैं। तो चलिए मैं बता दूं दोस्तों, फालतू की बातें नहीं करनी है। आप लोग कहते हैं कि सर आप टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट में एक लाइन भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया दोस्तों। एक बार हुआ, दूसरी बार भी हुआ, हो जाए तीसरी बार क्या फर्क पड़ता है, हो जाए। अमेरिका भी, उसको भी लगी है, वो रेंग रहा है ललकी कीड़ी, और ये रूस को तो ये कपरछिल्ला जो है, जिसका बाल कपरछिल्ला पागल है, उधर एक वो फुंकार आग फेंक रहा है दोस्तों, आग फेंक रहा है। वो एक तरफ से आग फेंकता था, अब दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से फुकरा आग फेंक रहा है। कौन सा चाइना, ये जिंगपिंग टिंगपिंग जो है, और तीसरी बार राष्ट्रपति बनेगा तो देश में क्या होगा। और इधर हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय ओम नमः, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सीताराम 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 सीताराम, कहिए जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे हम लोग इधर युद्ध होगा और भारत के लोग सीताराम सीताराम हरे राम हरे कृष्णा कहते रहेंगे,
जो होगा जैसे रखेंगे भगवान वैसे रहेंगे, और जब बचेंगे तो स्टॉक मार्केट में 10,000 करोड़ क्या तीसरी बिज होने के बाद एमबीए बीके सिंह का टीम नेटवर्क जितने भी क्लाइंट व्यूअर सब्सक्राइबर हैं सभी सुरक्षित सकुशल बचे। तो करोड़पति करोड़पति जो रोज हम बोलते रहते हैं वो तो हो ही जाएंगे दोस्तों, और 10,000 करोड़ क्या 20,000 करोड़ का मालिक हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा भारत के लोग सुरक्षित और सुरक्षित रहेंगे दोस्तों, क्योंकि हम तो 100 बार माफ़ करने वाले दोस्तों, हम तो 100 बार माफ़ करने वाले हैं, और 100 बार माफ़ करने के बाद एक बार भी 101 जहाँ गलती हुई आज हम मैदान में फिर देखते हैं आर या पार। चलिए दोस्तों, डिक्शन टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए सरकार ने खोल दिया पिटारा, खुल जा सिम सिम। डिक्शन वाले स्टॉक होल्डर एक भी स्टॉक बेचना नहीं दोस्तों। जी हाँ, आने वाले समय 10,000 के पार। और वेदांता होल्डिंग लिमिटेड इन्वेस्टमेंट और टाटा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, टाटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और वेदांता बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, डिक्शन टेक्नोलॉजी, ये सभी के सभी स्टॉक के लिए। दूसरी तरफ आप कहेंगे सरकार ने क्या नियम चेंज किया, सरकार ने नियम यही चेंज किया कि 2G से 3G लाया तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, काम बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी। 3G से 4G हुआ, मोबाइल बंद हुआ, 3G 4G का मोबाइल चालू हुआ बनना। अब 4G का बंद होगा तो 5G बनाने वाले जितनी भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग है, IT सेक्टर से लेकर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जितनी भी है, उनकी चकाचक हुई। तो डिक्शन नंबर 1। जी, और वेदांता ने आईफोन बनाना शुरू किया, गुजरात में लिया 22 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा इन्वेस्टमेंट ने भी किया, किसमें, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल 5G का बनाने के लिए। तो इंतज़ार कीजिए, और इंतज़ार का फल मीठा होता है दोस्तों। तो इंटरडेटेक मुंबई एमबीए पीके सिंह ने शुद्ध हिंदी और सरल भाषा में एक ही लाइन में कहती है दोस्तों, डिक्शन टेक्नोलॉजी, वेदांता इन्वेस्टमेंट, टाटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, ये चारों स्टॉक आपके लिए सरकार ने रास्ता साफ कर दिया। दिन दुना रात चौगुना आपका पोर्टफोलियो में सोमवार से देखने को मिलेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पहली बार है तो सब्सक्राइब के लिए अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए दोस्तों, और जितने भी हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं उनको मैं एक बात बता दूं, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मैं देख लूं। और ये दिखता शायद आपको दिख जाए, नहीं दिखता, देखिए। जी दोस्तों, मैं आपको दस सेकेंड दोस्तों। दो शेयर दीपावली में ले लीजिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना देर तक आप बने रहे, दो स्टॉक दीपावली से पहले दो स्टॉक उठाकर रख लीजिए दोस्तों, डिक्शन टेक्नोलॉजी। और सुनना चाहेंगे, जेन टेक्नोलॉजी। जी दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजी।
जेनसार टेक्नोलॉजी, जेन टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी और जेन टेक्नोलॉजी, ये दोनों शेयर स्टॉक उठाकर रख लीजिए जितना आपके पास दम है। जी हाँ, 100%।